जनगान कारवा विद एसी फ्यूल एवरेज क्या है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जनगान कारवा एक लीटर पेट्रोल के साथ कितने किलोमीटर फासला तय करती है इस कंडीशन में कि जिस कंडीशन में गाड़ी का एसी ऑन हो और गाड़ी एक नॉर्मल रोड, एक हाईवे या एक जीटी रोड पे चल रही हो। अभी मैं इसका ट्रिप मीटर ज़ीरो कर देता हूँ। और अब जैसे ही गाड़ी में फ्यूल ख़त्म होगा, गाड़ी रोड पे चलते चलते रुक जाएगी, तो हम इसकी फ्यूल एवरेज चेक करने वाले हैं। तो चलें, अभी मैं इस फ्यूल को रोड पे चला के खर्च कर लेता हूँ। रोड पे चलते चलते गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो चुका है और ये अब गाड़ी बंद होने वाली है। मैं गाड़ी साइड पर लगा लूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये आप देख लें कि गाड़ी फ्यूल के बगैर स्टार्ट होने वाली नहीं है। अब मैं इसका ट्रिप मीटर ज़ीरो कर देता हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं था गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है, लेकिन जितना भी था वो सब खर्च हो चुका है। और ये ट्रिप मीटर इसका ज़ीरो हो गया। अब गाड़ी में एक लीटर पेट्रोल डालकर इसकी फ्यूल माइलेज चेक करेंगे कि विद एसी गाड़ी एक लीटर पेट्रोल के साथ क्या फ्यूल माइलेज देती है एक हाईवे रोड पे एक नॉर्मल स्पीड के साथ। और ये एक लीटर पेट्रोल के साथ फ्यूल माइलेज चेक करने का ऑप्शन हमें इस चनगान कारवा में मिलता है, लेकिन आजकल जो जदीद गाड़ियाँ आ रही हैं हर गाड़ी में ये ऑप्शन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे सुजुकी आल्टो है 660 सीसी लोकल सबमर्ट गाड़ी, अगर उसका रोड पे चलते चलते फ्यूल ख़त्म हो जाए और उसको फ्यूल डालकर दोबारा स्टार्ट करना हो, तो गाड़ी में कम से कम 2, 2.5 या 3 लीटर फ्यूल उसमें डालना पड़ेगा, उससे पहले वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और इसी तरह इसी कंपनी की एक दूसरी गाड़ी है चनगान अल्सविन, उसका अगर गाड़ी का रोड पे चलते चलते फ्यूल ख़त्म हो जाए, उसको स्टार्ट करने के लिए गाड़ी के अंदर 8 से 10 लीटर पेट्रोल डलेगा, उसके बगैर वो गाड़ी स्टार्ट होने वाली नहीं है। चलें, मैं इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल लेता हूँ और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा 1 लीटर पेट्रोल PSO कंपनी का यूरो 5 पेट्रोल। ये 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डल चुका है। अगर बाय चांस रोड पे चलते हुए चनगान कारवा का फ्यूल ख़त्म हो जाए या इसकी फ्यूल एवरेज का कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, तो उसमें मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये गाड़ी रोड पे बिल्कुल सीधा खड़ी है, अगर इसमें फ्यूल ख़त्म हो गया और गाड़ी बिल्कुल रोड पर सीधा खड़ी है, तो आप 1 लीटर पेट्रोल डाल के इसको स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। और अगर गाड़ी ढलवान पे खड़ी है, इसका आगे वाला हिस्सा झुका हुआ है और पीछे वाला हिस्सा ऊपर है थोड़ा सा, तो तब भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर गाड़ी ढलवान पे ऐसे रुख पे खड़ी है कि इसका आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और पीछे वाला हिस्सा इसका डाउन है, तो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल के साथ स्टार्ट होने वाली नहीं जब तक कि गाड़ी को लेवल करके रोड पे बिल्कुल सीधा ना खड़ा किया जाए। 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डालने के बाद इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देख लें, गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई। अब मैं इसका एसी ऑन कर देता हूँ और अब गाड़ी को रोड पे चलाते हैं एक नॉर्मल स्पीड के साथ और देखते हैं कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल के साथ विद एसी क्या माइलेज देती है। और गाड़ी का ट्रिप मीटर ज़ीरो, ये रहा इसका ट्रिप मीटर और ये रहा इसका ओवरऑल माइलेज मीटर। गाड़ी में इस वक्त मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ, गाड़ी का एसी ऑन है, गाड़ी चौथे गियर में है और गाड़ी इस वक्त
तकरीबन 60 की स्पीड में है। यह रहा इसका ट्रिप मीटर और यह रहा इसका ओवरऑल माइलेज मीटर। गाड़ी नॉर्मल हाईवे रोड पे चल रही है और यह रहा गाड़ी का ट्रिप मीटर। गाड़ी ने तकरीबन 7.5 किलोमीटर के करीब फासला तय कर लिया है और यह रहा गाड़ी का ओवरऑल माइलेज मीटर। गाड़ी फ़िलहाल स्मूथ चल रही है क्योंकि ये हाईवे है, यहाँ पे गियर चेंज हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी चौथे से पांचवें में और पांचवें से सिर्फ चौथे में शिफ्ट हो रही है। गाड़ी चौथे गियर में है और ये रहा गाड़ी का ट्रिप मीटर और ये रहा गाड़ी का ओवरऑल माइलेज मीटर। तो चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल हाईवे है, मोटरवे वाला माहौल नहीं है यहाँ पे, तो कभी तो थोड़ा सा कुछ ब्रेक लगानी पड़ती है गाड़ी को, कभी एक्सीलरेट करना पड़ता है, गियर भी चेंज हो रहा है गाड़ी में। और इस वक्त गाड़ी ने तकरीबन 10.5 किलोमीटर से ज़्यादा फासला तय कर लिया है और गाड़ी चौथे गियर में है। ये रहा गाड़ी का ट्रिप मीटर और ये रहा गाड़ी का ओवरऑल माइलेज मीटर। ये देखें, अब ये गाड़ी की स्पीड मुझे कुछ कम करनी पड़ी रश की वजह से और अब तकरीबन गाड़ी का ये दूसरे गियर में गाड़ी शिफ्ट हुई है और फिर तीसरे गियर में गाड़ी शिफ्ट हुई है। गाड़ी ने तकरीबन 12 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। ये रहा ट्रिप मीटर और ये रहा ओवरऑल माइलेज मीटर। गाड़ी में एसी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है अपनी कूलिंग पूरी करने के बाद और एसी की कूलिंग मुनासिब है गाड़ी में, तो जैसे गाड़ी का एसी ट्रिप होता है तो गाड़ी के इंजन नॉइस पे उसका असर पड़ता है। इंजन नॉइस से पता चलता है कि गाड़ी का एसी ट्रिप हो गया और जैसे दोबारा गाड़ी में एसी ऑटोमेटिकली ऑन होता है तो फिर भी गाड़ी के इंजन साउंड से अंदाज़ा होता है कि गाड़ी में एसी ऑन हुआ है। ये रहा ओवरऑल माइलेज मीटर और ये रहा गाड़ी का ट्रिप मीटर। ये गाड़ी ने तकरीबन 13.5 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है और अभी भी गाड़ी, और बस ये इसका फ्यूल ख़त्म हो गया, गाड़ी झटके ले रही है। ये आपके सामने है, ये देख लें, गाड़ी के अंदर फ्यूल ख़त्म हो चुका है, गाड़ी झटके ले रही है और अभी किसी वक्त भी गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाएगा। ये जब तक चलता है मैं इसको चलने देता हूँ, जैसे अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब गाड़ी मुझे साइड पे लगानी होगी। ये देख लें, गाड़ी का इंजन ऑफ हो चुका है और अब गाड़ी बगैर फ्यूल के स्टार्ट होने वाली नहीं है। ये आपके सामने है जी, गाड़ी ने तकरीबन 13 किलोमीटर और 800 मीटर का फासला तय किया। जिन दोस्तों और भाइयों का ये सवाल कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल के साथ विद एसी क्या माइलेज देती है, ये आपके सामने है, ये आप देख लें। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी।